अब मैं ऐसी फनकारा से, ऐसी शायरा से, ऐसी कवित्री से गुजारिश करता हूँ कि हिंदुस्तान के बड़े खूबसूरत शहर में रहती है। उस शहर के बारे में डॉक्टर राजीव दोरी ने कहा था, चलते फिरते हुए माता दिखाऊंगा तुम्हें, चलते फिरते हुए माता दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से तशरीफ लाई एक बहुत ही खूबसूरत कवर है जिनकी शायरा मोहतरमा सविता असीम साहिबा से गुजारिश करता हूँ, पुरजोर तालियों से इसका काम करें। सुबह तमाम रात यही सोचती रही, जलते हुए चराग की लौ को बढ़ा के मैं, वो मेरा हाथ चूमने हरगिज ना आएगा, अब क्या करूंगी अपनी हथेली जलाने। मोहतरमा सविता असीम साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी इसकी इको बढ़ा दें, वैसे ही मेरी आवाज बहुत कम है। सुने दोस्तों, अब पूरी जिम्मेदारी है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया नजर बिजनौरी साहब का, अच्छी निजामत है। और मैं पहली बार आपके इस से रूबरू हो रही हूँ। नए साल पे ऐसा मजमा शायरी के लिए मैं यहाँ देख रही हूँ, क्या कहें, जो पूरा शहर हुड़दंग में मचा रहता है, आप यहाँ हैं, इसके लिए मैं आपकी भी शुक्रगुजार हूँ और अबू आसिम आजमी साहब की भी। क्या कहें, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब का जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। सीधी सीधी बात कहती हूँ, ना तरन्नुम में कहती हूँ, ना कोई हो हल्ला मचाती हूँ, सीधी सीधी बात कर रही हूँ आपसे, सुनिएगा। और चार मिसरों से बात शुरू कर रही हूँ नजर साहब, देखिएगा बाजू। चार मिसरों से बात शुरू कर रही हूँ, देखिएगा। एक औरत जब कलम उठाती है तो अपनी ही कोई कहानी कह देती है कि दर्द से मैंने वजूद अपना सजा रहने दिया, दर्द से मैंने वजूद अपना सजा रहने दिया, मैंने अपने जख्मों को यूं ही हरा रहने दिया, और मैं उसूलों से कभी समझौता नहीं कर पाई, मैं उसूलों से कभी समझौता नहीं कर पाई, वो अगर मुझसे खफा था तो खफा रहने दिया, मैं उसूलों से कभी समझौता नहीं कर पाई, वो अगर मुझसे खफा था तो खफा रहने दिया। और इसी मिजाज के चार मिसरे और देख लीजिएगा, समाज फरमा ले कि सब कुछ सहना, बाजी देखिएगा, सब कुछ सहना, चुप चुप रहना ठीक है क्या? सवाल, ये चारों में सिर्फ सवाल भी यही है, जवाब भी यही है, सब कुछ सहना। माइक में हमिंग बहुत ज्यादा हो रही है, नहीं है उसकी वजह से, नहीं वैसे भी कंटिन्यू हो रही है, हमिंग थोड़ी सी कर रहे हैं, पेस थोड़ा सा बढ़ा दीजिए जी, पीछे पीछे तक आवाज आ रही है। सब कुछ सहना, चुप चुप रहना ठीक है क्या? नहीं, ये यकीनी तौर से इसको पीछे रखें आप, वहीं से फोटोग्राफी जी, सब कुछ कहना ठीक है क्या? थोड़ी देर आपके बीच में हूँ और चाहती हूँ आप मुझसे जुड़ जाए। चार मिसरे फिर आपके सामने रख रही हूँ कि सब कुछ सहना, चुप चुप रहना ठीक है क्या? आंसू बनकर यूं ही बहना ठीक है क्या? और मजबूरी का लाभ उठाने वाले सुन तुझको जीवन साथी कहना ठीक है क्या? मजबूरी का लाभ उठाने वाले सुन तुझको जीवन साथी कहना ठीक है क्या? क्या कहना? एक गजल के चंद अशआर, गजल का मतलब हाजिर कर रही हूँ, समाज फरमा लीजिएगा हजर साहब। उसकी आंखों के साइबान में हूँ, क्या कहना? उसकी आंखों के साइबान में हूँ, उसकी आंखों के साइबान में हूँ, कितनी महफूज इस मकान में हूँ, सुने आगे, उसकी आंखों के साइबान में हूँ, कितनी महफूज इस मकान में हूँ, जिसको देखा नहीं कभी मैंने, हम मुद्दतों से उसी के ध्यान में हूँ, जिसको देखा नहीं कभी मैंने, मुद्दतों से उसी के ध्यान में हूँ। और शेर देखें कि कुछ नतीजा
अभी नहीं निकला। कुछ नतीजा अभी नहीं निकला किस तरह के मैं इम्तिहान में हूँ। और मैं मोहब्बत हूँ, ये शेर तमाम मादा जात की ओर से। मैं मोहब्बत हूँ अहले दिल के लिए और दुनिया की हर जबान में हूँ। मैं मोहब्बत हूँ अहले दिल के लिए और दुनिया की हर जबान में हूँ। और शेर देखें कि जीत सकता नहीं कोई मुझको मैं अभी तक इसी गुमान में हूँ। जीत सकता नहीं कोई मुझको मैं अभी तक इसी गुमान में हूँ। और शेर देखें कि उस अपनी पहचान खो के बैठी हूँ इन दिनों में किसी उड़ान में हूँ। अपनी पहचान खो के बैठी हूँ, अपनी पहचान खो के बैठी हूँ इन दिनों मैं किसी उड़ान में हूँ। और किस मक्ता पेश कर रही हूँ कि किस निशाने पे जा लगूं मैं असीम, किस निशाने पे जा लगूं मैं असीम, किस निशाने पे जा लगूं मैं असीम तीर बनकर किसी कमान में हूँ। दरअसल मुझसे पहले जो साहब यहाँ पढ़ रहे थे उन्होंने सारा माहौल बदल दिया और मैं आप तक पहुंच नहीं पा रही हूँ। बिल्कुल पहुंच पा रही हूँ। कुछ शेर आपके सामने रख रही हूँ, देख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, मेरा हौसला बन गया। मैं सीधी सीधी बात कहती हूँ, सुन लीजिएगा। बात ये है कि बहुत सारे लोगों ने, खासकर ज्यादातर लोगों ने चंडीगढ़ देखा नहीं, तो चंडीगढ़ को देखना भी चाहते। अभी मैं खबर दे दूं नजर साहब कि मैं इस महीने में यहीं पर शिफ्ट हो जाऊंगी पूरी तरह। ये तालियों से इस्तकबाल करें कि आपकी मोहब्बत। बहुत शुक्रिया कि वो इस मुशायरे से यही मुंबई में शिफ्ट होने वाली है। मुंबई वाले मुझे संभाल लें और गजल का ये मतलब आप संभाल लें। बात अधूरी रही नजर साहब, बस दो मिनट आपका ध्यान चाहो। बात अधूरी रही, अल्फाज मेरे तोड़ दिए और जहन में उसने सवालात कई छोड़ दिए। बात अधूरी रही अल्फाज मेरे तोड़ दिए, जहन में उसने सवालात कई छोड़ दिए। और शेर देखें कि मुझको चाहत थी फकत खुशी की उससे, मुझको चाहत थी फकत खुशी की उससे, हादसे उसने मेरे साथ कई जोड़ दिए। मुझको चाहत थी फकत खुशी की उससे, हादसे उसने मेरे साथ कई जोड़ दिए। और शेर देखें कि बाज ने जान लिया था मेरी पहली है उड़ान, बाज ने जान लिया था मेरी पहली है उड़ान, उसने पर नोच के बाजू भी मेरे तोड़ दिए। बाज ने जान लिया था मेरी पहली है उड़ान, उसने पर नोच के बाजू भी मेरे तोड़ दिए। वो तो आते हैं थके टूटे हुए ख्वाब लिए, वो तो आते हैं थके टूटे हुए ख्वाब लिए, मेरी आंखों ने भी अब ख्वाब सभी छोड़ दिए। और आखिरी शेर इस गजल का कि बाद मुद्दत के तेरा खत था सुनामी जैसा, बाद मुद्दत के तेरा खत था सुनामी जैसा जिसने ठहरे हुए जज्बात मेरे मोड़ दिए। बस ये कुछ शेर और आपके सामने रख रही हूँ, गजल का मतला हाजिर कर रही हूँ। गजल का मतला हाजिर कर रही हूँ कि कोई भी काम हो शाया निशान करते हैं, कोई भी काम हो शाया निशान करते हैं, ले जमीन तुझे आसमान करते हैं। कोई भी काम हो शाया निशान करते हैं, ले जमीन तुझे आसमान करते हैं। और शेर देखें कि कोई तो आएगा इन वहशतों में रहने को, कोई तो आएगा इन वहशतों में रहने को, सो हम भी आज ये खाली मकान करते हैं। कोई तो आएगा इन वहशतों में रहने को, सो हम भी आज ये
खाली मकान करते हैं, और शेर देखें कि मैं जीत जाती हूँ हर जंग दुश्मनों से मगर, मैं जीत जाती हूँ हर जंग दुश्मनों से मगर मेरे ही लोग मुझे बेअमान करते हैं। मैं जीत जाती हूँ हर जंग दुश्मनों से मगर मेरे ही लोग मुझे बेअमान करते हैं। और ये शेर बतौर खास मैं अबू आसिम आजमी साहब की पेश करती हूँ, नजर करती हूँ कि दुआ करो वो सजर खूब सायादार रहे, दुआ करो वो सजर खूब सायादार रहे जिसे हम अपने लिए साहिबान करते हैं। दुआ करो, बहुत शुक्रिया, दुआ करो वो सजर खूब सायादार रहे जिसे हम अपने लिए साहिबान करते हैं। और मक्ता पेश कर रही हूँ कि असीम खुद से ही जब हारने लगती हूँ मैं, असीम खुद से ही जब हारने लगती हूँ मैं, मुझे इरादे मेरे कामरान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।